देश की राजनीति में और सियासत में उत्तर प्रदेश की का गहरा महत्व होता है, क्योंकि मुल्क की सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति से होकर गुजरता है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। देश भर में 2024 में लोकसभा चुनाव है और कुछ ही समय बाद यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश की मौजूदा सरकार और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को रिझाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भाजपा पर आरोप लगा रही है कि हमेशा असल मुद्दों से भटकाकर बीजेपी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसी चीजों पर ही वोट मांगती है। ऐसे सवाल है कि क्या बीजेपी सपा के आधार वाले वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। क्या समाजवादी पार्टी के 20 वोट में सेंध लगा पाएगी भाजपा? भाजपा की नजर पसमांदा मुस्लिम वोटर्स पर, अल्पसंख्यक वोटर्स को रिझाने में जुटी भाजपा। क्या है भाजपा का अल्पसंख्यकों से प्रेम के पीछे का राज? देखिए इस विशेष वोट में। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, स्थायी निकाय चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने वाला है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है वो मुस्लिमों के वोट बैंक में सीन लगाने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक कहा जाने वाला मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय के बेस वोट पर अब भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की कवायद तेज कर चुकी है और लगातार पसमांदा मुस्लिमों को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने को लेकर लगातार कार्यक्रम बदस्तूर जारी रख रही है। ऐसे में सवाल आखिर ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के बेस वोटर्स पे सेंध लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खतौली में हो रहे उपचुनाव सियासी नजरिए से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इन तीनों सीटों पर सियासी दिग्गजों की साख दांव पे लगी है। मैनपुरी सीट को नेताजी मुलायम सिंह यादव का सबसे महफूज गढ़ माना जाता है। ऐसे में मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि यादव परिवार की पूरी साख दांव पे लगी हुई है। खतौली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सपा और आरएलडी का गठबंधन इस सीट से चुनावी मैदान में है। आरएलडी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पार्टी है और उनकी सियासी विरासत आगे बढ़ाने का काम जयंत चौधरी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि खतौली सीट जीतने के लिए जयंत सिंह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा रामपुर सीट सपा के दिग्गज नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट को भी अपने खाते में डालने का पूरा पूरा जोर लगा रही है। यूपी की सियासत में अगर चुनाव की बात करें तो सभी पार्टियां जातिगत राजनीति करने से पीछे नहीं हटती। जहां भाजपा को हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है और बेस वोटर हिंदू कहा जाता है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक और यादव के वोट बैंक की राजनीति कर सत्ता तक कई बार पहुंच चुकी है। इसके अलावा 4 बार सूबे की सत्ता में रहने वाली बसपा पिछड़ों और दलितों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन भाजपा ने 2014 में जब केंद्र में सरकार बनाई और 2017 में भाजपा ने यूपी में सरकार बनाकर योगी जी को यूपी की कमान सौंपी है, तब से भाजपा सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रही है और 2022 में भी सरकार बनाकर अब निगाहें 2024 पर है। इस बार अल्पसंख्यक वोटर्स भाजपा की प्राथमिकता हो गए हैं। ऐसे में सपा को अपने बेस वोटर्स को बचाना अहम होगा, लेकिन भाजपा का अल्पसंख्यक प्रेम के पीछे क्या मायने हैं? अभी तक आवास, शौचालय, गैस का सिलेंडर, उनका खाता खोलना, तमाम योजनाएं हमने पहुंचाई हैं। पसमांदा समाज सदैव से मुस्लिम समाज में पिछड़ा रहा है। समाजवादी पार्टी भी उस समाज में, मुस्लिम समाज में जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनकी पार्टी रही है। तो समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुँचे, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत रहा है। धर्म और समाज के आधार पर लोगों को बांटने का काम करा है। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, केवल उसको फॉलो करने का काम करा है। और आज जो पसमांदा समाज के प्रति इनका प्यार दिखाई दे रहा है, वो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है। और निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज जानता है कि केवल केवल इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं,
और वैसे अलग है। भारतीय जनता पार्टी आजकल जब जब चुनाव आते हैं तो पसमानदा समाज, पिछड़ा मुस्लिम समाज की बातें करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तब मुसलमानों को वोट के लिए उनकी याद आती है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मुसलमानों के साथ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। एक नहीं दसियों जगह पर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर देखिए मुसलमान जो है वो किसी का बिका हुआ नहीं है। मुसलमान अब जागरूक हो गया है। अब जो लोग हुक्का भरवाते थे, बड़े मियां जो हुक्का भरवाते थे, वो हुक्के का मसला बहुत दूर चला गया। अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब वो कमल खिलाएगा। देश में पसमानदा समाज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। खास तौर पे कहा जाए तो मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्षी गण और विपक्षी पार्टियां अब आमने सामने होती नजर आ रही है। देखते हैं इस स्टोरी में कि क्या है मुस्लिमों के लिए खास और कौन है सच्चा मुस्लिमों का हितैषी। तो आपने सुना कि भाजपा जहां अल्पसंख्यकों को अपना बता रही है और इनके लाभ के लिए लगातार काम करने की बात कर रही है, वहीं सपा भाजपा के इस इवेंट को चुनावी माहौल से रिझाने को लेकर देख रही है। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम वोटर्स किसको अपना बनाता है और किसको नजरअंदाज करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा का अल्पसंख्यक प्रेम दिखावा है या वाकई अल्पसंख्यकों ने भाजपा को अपना उद्धारक मान लिया है। लखनऊ से शशांक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का बेस वोट, अगर बात करें MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर पे क्या बीजेपी सेंध लगा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की पॉलिसी लाई है वो आने वाले समय में कितनी कारगर होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बड़ी बात है। यदि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया तो सिर्फ यादव के सहारे में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या वो फिर से सत्ता वापसी के लिए आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।